हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेने वाले हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम नंबर 3। चलिए, आज का प्रॉब्लम ये रहा। ओके, नाउ फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स राम एंड गोपाल एज ऑन 31 मार्च 2009। हम सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को जॉट डाउन करेंगे। वो जॉट डाउन करने के पहले व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मार्क ऑल आर एडजस्टमेंट इन आर ट्रायल बैलेंस। चलो, हमने इसको टिक कर दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कहा जाता है एसेट में। कितना है हमारा डेटर्स? 28,000। ओके, फिर है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पीएनएल में आएगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम 1,000। फिर है मशीनरी, एसेट में जाएगा। एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखेंगे हम। फिर है ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग में जाएगा 32,000। देन फर्नीचर, उस पर भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में 25,000। परचेजेस, ट्रेडिंग में जाएगा 25,000। इसको भी इनर कॉलम में लिखते हैं, मैं बताती हूँ क्यों। इस पे एडजस्टमेंट है हमारा। फिर आएगा वेजेस। वेजेस है हमारा 12,000। उसके बाद हम लिखेंगे सैलरीज। इस पे हमारा है, सैलरीज पे हमारा एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखेंगे 7,000। कैरिएज इनवर्ड, अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो देर इज़ कैरिएज इनवर्ड एज वेल एज कैरिएज आउटवर्ड। कैरिएज इनवर्ड फैक्ट्री एक्सपेंस होता है, दैट इज़ वाई वी विल रिकॉर्ड इट ऑन आ ट्रेडिंग अकाउंट। कैरिएज इनवर्ड ट्रेडिंग एक्सपेंस होता है। ओके, देन कैरिएज आउटवर्ड ये हमारा प्रॉफिट है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वाला रहता है, तो इसलिए हम उसको पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। कैरिएज आउटवर्ड ये है 2,000। फिर आता है हमारा रेंट पेड। रेंट पेड पे एडजस्टमेंट है 1,500। बैड डेट्स, बैड डेट अब ये मुझे बताओ कौन सा होगा। बैड डेट ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा, ओल्ड बैड डेट, टू बैड डेट्स। कितना है? 1,700। ठीक है, उसके बाद आता है कैश इन हैंड, असेट में जाएगा 8,000। उसके बाद मोटर कार, एसेट है हमारा 20,000। ठीक है, देन क्रेडिट बैलेंस पे आएंगे। राम का कैपिटल अकाउंट, गोपाल का कैपिटल अकाउंट, यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट राम। कितना है? 50,000 राम का है, इनर कॉलम में लिखेंगे, एक लाइन लीव करके गोपाल का अकाउंट डालेंगे। गोपाल का कितना है? 40,000। ओके, उसके बाद में बिल्स पेबल, लाइबिलिटी हमारी 4,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी है 15,000। सेल्स, सेल्स आएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में बाय सेल्स, 1,18,700। बैंक लोन, बैंक लोन हमारा लाइबिलिटी होती है, तो बैंक लोन को हम लिखेंगे हमारे बैलेंस शीट में।
बैंक लोन कितना है 15,000, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में डालो। लास्ट एंड नॉट द लीस ये है हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब ये आउटस्टैंडिंग वेजेस हमको दिया है ट्रायल बैलेंस में, तो सिंपली इसको हम पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ये एडजस्टमेंट में नहीं है, अगर एडजस्टमेंट में होता था तो हम वेजेस में ऐड करते थे, बट यहाँ पर सिर्फ हमको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है एज आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो सिंपली हम इसको लिख देंगे हमारे पीएनएल अकाउंट में एज आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना है 3,000। ओके चलो अब आते हैं हमारे एडजस्टमेंट पे। अब यहाँ पर गाइस यू कैन चेक, यहाँ पर इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालने में ये चीज़ ध्यान में रखना है। सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड है एट कॉस्ट प्राइस 45,000 वाइल इट्स मार्केट प्राइस इज 50,000। कॉस्ट प्राइस है 45,000, मार्केट प्राइस है 50,000, विच एवर इज लेस उसको हम लेंगे एज अ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर कौन सा कम वाला है, मार्केट प्राइस वाला या कॉस्ट प्राइस वाला? 45,000 रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट प्राइस वाला, ठीक है। एसेट में लिखो क्लोजिंग स्टॉक 45,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज है और रेंट पे है, तो सैलरीज इधर लिखे थे तो हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। कितना है 800, ये हो जाएगा 7,800। दूसरा इफेक्ट डालेंगे हम लाइबिलिटीज़ में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में लिखेंगे सैलरीज। कितना है 800, रेंट पे भी है 500, तो इसमें आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे 500, इसका टोटल लिखेंगे 2,000। और इसका दूसरा इफेक्ट लिखेंगे हम इधर पे रेंट 500, फिर इसको आउटर कॉलम में डाल देंगे एज 1,300, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 15% एंड फर्नीचर 10%। मशीनरी कहाँ है हमारा, इधर मशीनरी पे 15% लेस डेप्रिसिएशन एट 15%, 30,000 इंटू 15/100 कितना आ जाएगा 4,500। हमारा ये क्या बोलते हैं मशीनरी का डेप्रिसिएशन आ गया 4,500, तो इस पर 4,500 लेस करेंगे और माइनस करेंगे तो बचेगा 25,500। ओके फर्नीचर पे कितना दिया है 10%, तो लेस डेप्रिसिएशन एट 10%, 25,000 इंटू 10% विल बी 2,500। 2,500 माइनस होगा तो बचेगा 22,500। इसका दूसरा इफेक्ट हम कहाँ डालते हैं, पीएनएल के डेबिट में, डेप्रिसिएशन काय काय पे है डेप्रिसिएशन टेल मी। एक तो हमारा मशीनरी पे है और दूसरा हमारा फर्नीचर पे है। डेप्रिसिएशन पे है 4,500, मशीनरी पे फर्नीचर पे है 2,500, टोटल हो जाएगा 7,000। ओके ये एडजस्टमेंट भी ख़त्म। फिर आता है गुड कॉस्टिंग रुपीज़ 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। ये जो गुड्स है वो फ्री सैम्पल के तौर पे हमने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, मतलब ये एक एक्सपेंस होता है कंपनी के लिए, तो वो परचेजेस में से हम लेस करेंगे। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, ठीक है। कितने के गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करे 3,000, तो वो एक इफेक्ट परचेजेस में से हम लेस करेंगे, बचेगा 73,500। उसके बाद में दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, वो कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, तो अगर हम गुड एडवर्टीज करने के लिए फ्री सैम्पल के लिए देते हैं तो वो हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होता है, तो इसके लिए हम इधर पे लिखेंगे पीएनएल में
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एज 3000. ओके, देन कम्स इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज पेएबल 1500. बैंक लोन किधर है हमारा? बैंक लोन हमने इधर रिकॉर्ड किए थे. अरे एक लाइन छोड़ना भूल गई थी, चलो इधर ही एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे. बैंक लोन है 1500, पेएबल है मतलब हमको पे करना है. लोन था 15000 का, इंटरेस्ट उसके ऊपर हमको पे करना है 1500, मतलब टोटल अमाउंट हमको कितनी पे करनी पड़ेगी? 15000 का हमारा लोन है, उस पर 1500 हमको पे करना है ना, तो इसके अंदर वो ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट. ठीक है, तो टोटल हमको कितना पे करना पड़ेगा? 16500. अब ये जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं इधर पे, तो हमने ऐड करे, तो दूसरा का जाएगा एक्सपेंस हो जाएगा. तो पीएनएल में लिखेंगे इंटरेस्ट पेड, हाउ मच? 1500. ओके, तो ये हमारा ख़त्म हो जाता है. अब हम टैली करने लगेंगे. ट्रेडिंग को क्लोज करो. कौन सा साइड हैवियर है? क्रेडिट ही होगा ऑब्वियसली. 1,63,700, 63,700 टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन कितना आ जाएगा? 45,200. हाईलाइट करो उसको. ये हम लेके आएंगे इधर पे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 45,200. ठीक है, अब इसको हम क्लोज करेंगे. ये भी यही साइड हैवियर है. अब इधर पे कितना बैलेंस बचेगा? 19,200. ठीक है, तो ये हमारा है टू नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन. अब दो पार्टनर है, राम और गोपाल, दोनों का वर्किंग करना पड़ेगा. राम एंड गोपाल का, ये राम है ये गोपाल है. आप क्वेश्चन में देखो उन लोग का दिया हुआ है 3:2, मतलब ये हो जाएगा 3/5, गोपाल का हो जाएगा 2/5. 3/5, 2/5 इन लोग का हो गया. अब उसके बाद में कितना आया हमारा नेट प्रॉफिट? 19,200 है. ठीक है, तो राम का कैसा करेंगे? 19,200 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो इसका आ जाएगा 11,520. और इसको हम करेंगे 19,200 इंटू 2/5, इसका आ जाएगा 7,680. ठीक है, तो अब इसको हम इधर लिखेंगे. राम का आ गया है 11,520 और गोपाल का आ गया है 7,680. अब ये चीज़ को हम उठा के लेके जाएंगे हमारे कैपिटल अकाउंट में. इधर पे एड नेट प्रॉफिट कितना है? 11,520, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 61,520. फिर गोपाल में ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, गोपाल का कितना है? 7,680, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 47,680. गॉट इट? अब उसके बाद में लास्ट हमारी बैलेंस शीट. नाउ डेफिनेटली हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएंगी. 1,49,000, 1,49,000. ओके, समझ में आया आप लोग को? क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग. थैंक यू.